वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निक गेमर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, बाजू में जो बेल आइकन है दबा दो ताकि आपको मिल सके हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले। और ये वीडियो जो है ये सिर्फ नए फ्री फायर प्लेयर के लिए है, जो लोग अभी अभी गेम स्टार्ट किए हैं उन्हें पता नहीं है गेम कैसे खेलते हैं, मतलब बिगिनियर जो नए प्लेयर हैं उनके लिए है, और जो पुराने हैं वो मेरे वीडियो को स्किप कर सकते हैं। और इस वीडियो पर मैं गिवअवे का रिजल्ट दे दूंगा, तो जो लोग कल गिवअवे का पार्टिसिपेंट थे वो लोग देखिएगा, और जो लोग नए हैं या फिर आपका फ्रेंड भाई बहन जो गेम पर नए हैं उनको ये वीडियो शेयर कीजिएगा, उनके लिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि गेम कैसे खेलते हैं फ्री फायर ये मैं अभी आपको सिखाऊंगा, मतलब सबको सिखाऊंगा, जो लोग नए हैं उनको सिखाऊंगा, और जो पुराने हैं तो वो गेम खेलना आता है तो मेरे वीडियो को स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर पहले फर्स्ट है, मतलब बहुत लोग ऐसे होते हैं, मैं क्योंकि ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, बहुत लोग ऐसे होता है कि फ्री फायर डाउनलोड किया खेलना नहीं आता है या गेम पे जाके मर जाते हैं और गेम को कर देते हैं डिलीट। ऐसा मेरा ही पर्सनल एक फ्रेंड ने किया था डिलीट, तो उसने बोला है तुम ऐसे वीडियो बनाओ, मैं तुम्हारे देख के गेम खेल सकता हूँ, और उसको तो मैं सिखा चुका हूँ, लेकिन जो लोगों को पता नहीं है तो उनको सिखाना चाहता हूँ गेम को कैसे करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर क्लिक करके आप आपका गेम का मोड, कौन सा मोड पर कौन सा मैप पर खेलना है ये सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ से सिलेक्ट करना है आपको गेम का मोड, जो रैंक मैच, क्लासिक मैच, बारामूडा मैप होगा और पोरगेटी मैप होगा, तो इनमें से आपको सिलेक्ट करना है। तो आगे मैं बताऊंगा कौन सा मोड पे आपको खेलना है। पहला स्टार्टिंग पे, स्टार्टिंग पे आपको बारामूडा मैप, क्लासिक बारामूडा मैप ही सिलेक्ट करना है। दूसरा पे स्टार्टिंग नहीं होगा, रैंक मैच लेवल 10 से ऊपर, और अगर गेस्ट अकाउंट हो तो 13 लेवल का ऊपर होना चाहिए, और बारामूडा पोरगेटी मैप पर शायद आपको 5 लेवल से ऊपर होना चाहिए, लेवल 5। और यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं आप कितने प्लेयर पर खेलना है, 4 प्लेयर या फिर 2 या फिर सिंगल खेल सकते हैं, मतलब सोलो डुओ स्क्वाड इनमें से सिलेक्ट कर लीजिएगा, आपको जैसा खेलना है वैसा खेल सकते हैं आप। यहाँ पे देखिए डुओ सोलो और स्क्वाड पे खेल सकते हैं, और अभी मैं सोलो स्टार्ट करता हूँ, सोलो गेम स्टार्ट करो, स्टार्ट पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे जो स्टार्ट लिखा है वहाँ पे क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद आपका गेम हो जाएगा स्टार्ट। स्टार्टिंग पे आपको एक लॉबी मिलेगा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, बाकी में जो बेल आइकन है उसे दबा दो ताकि आपको मिल सके हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले। और यहाँ पे मिल जाएगा आपको लॉबी, लॉबी पे आप मतलब प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करना है कैसे, मतलब सब लोग कौन कौन है देख सकते हैं, यहाँ पे अच्छा प्लेयर है, बुरा प्लेयर है, बोर्ड पे, इस बोर्ड पे देख सकते हैं मतलब एलिट पास का बेजेस वाला, मतलब प्रॉपर बंदे पे कौन कौन है। तो मैं ये नया अकाउंट से खेल रहा हूँ तो उतना अच्छा प्लेयर नहीं है, लेकिन आपको भी अगर आप नए हो तो आपके लेवल के हिसाब से ऐसे ही प्लेयर मिलेंगे। तो थोड़ा सा मेरे ने यहाँ पे टाइम दिखाएगा, टाइम का अंदर गेम हो जाएगा स्टार्ट, ऐसे जैसा अभी गेम स्टार्ट हो रहा है स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट होने का बाद क्या होगा हम देखेंगे। ये मैं एक न्यू आईडी से खेल रहा हूँ आप लोगों को सिखाने के लिए, आप लोग न्यू है तो न्यू आईडी पे कैसे लोग मिलेंगे। यहाँ पे एक प्लेन जाएगा, बारामूडा मैप है और यहाँ प्लेन जाएगा, तो प्लेन से आपको उतरना है, और कैसा उतरना है ये भी दिखाऊंगा मैं आपको। और आप मैप पे यहाँ पे खोल के देख सकते हैं और चूज कर सकते हैं आपको उतरना कहाँ है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं मैप पे कहाँ पे उतरना है, वहाँ पे टिक मार्क कर सकते हैं, टिक मार्क कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अभी दिखा रहा हूँ कि आपको टिक मार्क कहाँ करना है, यहाँ पे थोड़ा जूम कर दीजिएगा, जूम कर सकते हैं या फिर कुछ भी कर सकते हैं, जूम करके यहाँ पे मार्क भी कर सकते हैं, मार्क हटा भी सकते हैं और दूसरा प्लेस पर भी मार्क कर सकते हैं। यहाँ पे मैं मार्क करके उतर रहा हूँ और देखते हैं, यहाँ मार्क अभी हटा भी सकते हैं बाद में, और यहाँ पर क्लिक करके इजेक्स कर सकते हैं और पैराशूट को ओपन भी कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके, और यहाँ पे देखते हैं उतर यहाँ पे आप यहाँ जहाँ पे इस पोर्शन पे यहाँ पे किधर जाना है, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। और मैं उतर रहा हूँ, उतरते ही आपको कोई भी गन लेना है, जो भी सामान मिले यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे क्लिक करके गन पे क्लिक करके आपको गन लेना है, और यहाँ पे दूसरा गन आपको 3 गन यूज़ कर सकते हैं, ले सकते हैं, मेडिकेट है, मेडिकेट भी ले लिया हूँ, ये मेडिकेट कैसे काम आएगा आपको आगे दिखाऊंगा। यहाँ पे 2 गन, 3 गन, तीनों गन अलग अलग मॉडल का होता है, अलग अलग गन होता है तो आप उठा सकते हैं। एक गन पूरा शॉर्ट रेंज का होता है, पूरा पास से मारने का होता है, दूसरा गन सिर्फ शॉर्ट रेंज के लिए भी ले सकते हैं, सिर्फ लॉन्ग रेंज के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप हमेशा शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज का यूज़ कीजिएगा। और यहाँ पे देखिए बंदा है, तो यहाँ पे बंदा का सामने एम करके मैंने यहाँ पे क्लिक किया था और शायद बंदा मर गया है, और ऐसे ही आपको करना है, और आपको जो भी सामान मिले वो उठा लेना है, जो भी सामान मिले। और हमेशा गन का यहाँ पे देखिए मेरा गन पे कितना गोली है ये भी देख लीजिएगा, गोली खत्म होने से पहले गोली कहीं से भी, और जिसको मारेंगे आप उसका पास जाइए और वहाँ बॉक्स मिलेगा, बॉक्स में आपको सामान मिलेगा, बॉक्स में बहुत कुछ सामान मिलेगा, मेडिकेट वगैरह मिलेगा और बैग भी मिलेगा, लेवल 2 का बैग मुझे मिल चुका है, पहले मिल चुका है। और यहाँ पे देखिए गन का एमो मिला है, मतलब गोली मिला है, मैं उठा लिया हूँ, ये देखिए वेस्ट, वेस्ट भी उठा लीजिएगा, ये गोली मेरा कोई काम का नहीं है, इसके लिए इस गोली के लिए दूसरा गन चाहिए। यहाँ पे देखिए मैं गन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा, गन को चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए सिलेक्ट किया, मैं गन चेंज कर दिया हूँ, आप ऐसा ही गन चेंज कर सकते हैं गन को रिलोड करने के लिए, जब गोली एक दो गोली कर देगा तो गन को रिलोड कर सकते हैं। और यहाँ देखिए मैं यहाँ पे गन के अलावा एक बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर पेन वगैरह होता है वो यूज़ कर सकते हैं, और गोली जो भी गोली है गोली के पास जाके उस पर क्लिक कीजिएगा गोली पे, तो गोली चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देखिए वेस्ट, हमेशा वेस्ट लेवल 3 का बेस्ट वगैरह पे लेवल दिखाएगा, तो हमेशा ज़्यादा लेवल का लेने का ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे जैसे मैंने लेवल 3 का बेस्ट लगा दिया, ऐसे आप हेमलेट भी लगा सकते हैं, हेमलेट भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे अभी तक हेमलेट नहीं मिला है। और हमेशा जूम करके मारिएगा, यहाँ पे क्लिक करने से जूम होगा, गन का एम लगाएंगे तो यहाँ पे क्लिक किया मैं जूम किया, जूम करके मारेंगे, जब एनिमी दूर होगा, एनिमी मतलब दुश्मन दूर रहेंगे तो जूम करने से, जूमिंग तो आपको पता है मतलब पास दिखाता है, और जूम नहीं करोगे तो बहुत ही दूर दिखाएगा। और जहाँ भी एनिमी है, एनिमी अगर 2 एनिमी फाइटिंग कर रहे हैं या फिर गन को रिलोड कर रहे हैं, यहाँ पे ऊपर जो रेड कलर दिखाया था वहाँ पे रेड कलर दिखाएगा, तो समझ लीजिएगा आपका पास आसपास एनिमी
भी है और साउंड भी सुनाई देगा, सुनाई भी दे सकता है। और ये रेड कलर जो है यहाँ पे एनिमी फाइट कर रहे हैं, तो हमें यहाँ जाके थोड़ा फाइटिंग कर लेता हूँ। कैसे फाइटिंग करेंगे हम दिखाते हैं। जूम किया, जूम करने के बाद गोली मारा, जूम किया तो गोली मारा। आपको जूम करके गोली मारना चाहिए। ये देखिए डायरेक्ट भी मार रहा हूँ, डायरेक्ट भी मार सकते हैं, जूम करके भी मार सकते हैं। जूम करने से पास भी करता है और डायरेक्ट मारने से उतना अच्छा से दिखाई नहीं देता है, तो आपको जूम करके मारना है। और हमेशा रनिंग के टाइम अगर हो सके तो गन को छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे जैसे मैं बैट पकड़ लिया, बैट पकड़ के रनिंग करने से होता है कि स्पीड हो जाता है रनिंग का स्पीड। यह देखिए जूम करके मार रहा हूँ बहुत ही दूर, यहाँ पे देखिए मार रहा हूँ तो ये फिर मार दिया, जूम करके मारना है। और हमेशा ये देखिए मेरा गन का गोली खत्म होने वाला है, बहुत ही कम गोली है लेकिन यहाँ पे गन का गोली मिल गया है। और गन को गन पे लगाने का जो अटैचमेंट है वो अटैचमेंट हमेशा ज़्यादा कीजिएगा। यहाँ पे मैं यहाँ से मैं लेवल मतलब स्कोप लगाया हूँ। स्कोप लगाने से क्या होता है, पहले मेरा गन पे स्कोप नहीं था, अभी मेरा गन पे स्कोप है, तो स्कोप वगैरह क्या है ये दिखाऊंगा मैं। और यहाँ पे उसके पास जाके जब पास जाएंगे तो हमेशा शॉटगन से गन चेंज कर दीजिएगा शॉटगन से। और अगर दूर से मारना है तो लॉन्ग रेंज का गन से मारना है। जैसे अभी देखिए ये वाला अभी जो गन है ये दूर है इसलिए इस गन से मार रहा हूँ, और जो पास था तो कौन से गन से मारा, शॉर्ट रेंज गन से मारा। ऐसे ही आपको मारना है। और हमेशा एनिमी को मारने के बाद जाके उसका बॉक्स मिलेगा, वहाँ जहाँ पे मरेगा वहाँ पे एक बॉक्स मिलेगा। बॉक्स पे जाके देखना है क्या क्या जो अच्छा सामान है उसे लगा देना चाहिए, मेडिकेट वगैरह ले लेना चाहिए। मेडिकेट अगर आपका बैग फुल है तो वो सामान आप उठा नहीं सकते हैं, तो ऐसा ही। और हमेशा जो भी सामान मिले ज़्यादा लेवल वाला सामान लीजिएगा, और गन को हमेशा रीलोड कर देना चाहिए। रीलोड यहाँ पे जो क्लिक कीजिएगा गन रीलोड हो जाएगा, तो हमेशा गन को रीलोड करके रखना चाहिए। क्योंकि रीलोड नहीं करेंगे तो आपका गोली वोली करके आपका मतलब गन का गोली ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ जो सामान काम का नहीं होता है ऐसे ही फेंक देना चाहिए, बेकार बैग में रख के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बैग में लिमिटेड स्पेस रहता है। तो आपको जो सामान काम का नहीं होता है उन्हें फेंक देना चाहिए। और यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपका बैग ओपन होगा और बैग से फेंक सकते हैं। और यहाँ पे आगे देखेंगे, और ये देखिए सामने जो येलो कलर का दिखाई दे रहा है उधर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे यार ड्रॉप है, मतलब यार ड्रॉप वहाँ पे जाके आप कुछ अच्छा अच्छा सामान गन वगैरह मिल सकता है, अच्छा सामान और गन मिल सकता है। तो मैं जाऊँगा, और मेरे पास मेडिकल ज़्यादा है इसलिए फेंक दे रहा हूँ। और यहाँ पे यार ड्रॉप पे जाने का कोशिश करूँगा, लेकिन यार ड्रॉप पे बहुत ही लोग आते हैं तो वहाँ पे बंदे भी रह सकते हैं, तो इसलिए ध्यान से जाइएगा जब भी आप यार ड्रॉप पे जाएंगे। और यार ड्रॉप पे जाके मैं देखूँगा क्या मिलेगा मुझे, चलता हूँ यार ड्रॉप पे। और यहाँ पे यार ड्रॉप पे ऐसा येलो कलर यार ड्रॉप मिलेगा जो दूर से दिखाई देगा। कभी कभी यार ड्रॉप के बदले यहाँ पे आपको मोस्टर ट्रक बोल के एक व्हीकल है वो व्हीकल मिल जाता है। या देखिए गन भी है गोली भी है इस यार ड्रॉप पे, तो गन को ले लिया मैं, थोड़ा अच्छा गन मिला तो मैं गन को चेंज करके ये गन ले लिया। इस गन का नाम है ग्रोजा, जो बहुत ही अच्छा गन है, तो आप भी गन चेंज कर सकते हैं। और रनिंग कर यहाँ पे देखिए एक बंदा है, मैं थोड़ा सा मुझे थोड़ा डैमेज दे दिया है, तो आपको जब डैमेज मिलेगा तो मेडिकल मारना। यहाँ पे जूम करके मैं उसका पूरा हेड मारता हूँ, जूम करके थोड़ा सा उठा के मारेगा, फास्ट कीजिएगा मैं थोड़ा स्लो दिखाया हूँ, ऐसा ही जूम करके थोड़ा उठा के मारेगा तो हेड शॉट मार सकते हैं। आप लोगों को पता है हेड शॉट, इसको बोलते हैं हेड शॉट। मैं थोड़ा स्लो नहीं दिखाया आपको, तो आपको स्पीड से करना है ये वाला चीज़, स्पीड से करना है और मेडिकेट मार देना है। यहाँ पे डैमेज रहेगा तो यहाँ पे क्लिक करके मेडिकेट मार सकते हैं, तो आपका एनर्जी फुल रहेगा। एनर्जी मतलब कोई आपको गोली करेगा तो आपका एनर्जी कम हो जाएगा, और आप मेडिकेट मार के एनर्जी फुल कर सकते हैं, तो हमेशा एनर्जी को फुल रखिएगा। और यहाँ पे मैं आगे देखता हूँ और क्या मिलता है। हमेशा किसी भी घर पे कहीं पे जाइएगा, हमेशा सामान ढूंढते रहिएगा। यहाँ पे मुझे मेडिकेट मिला है, जो मेरा मेडिकेट यूज़ किया था, तो अब मेडिकेट यहाँ रेड डॉट दिखाई दे रहा था, रेड डॉट यहाँ, तो फिर कोई है एनिमी है तो उसका पास जाना पड़ेगा। ये रहा एनिमी, तो उसको मारने का कोशिश करता हूँ। ज़्यादा पास था इसलिए मतलब स्कोप यूज़ नहीं किया, पास रहेगा तो स्कोप यूज़ मत कीजिएगा, दूर रहेगा ज़्यादा दूर रहेगा तो स्कोप यूज़ करिएगा। यहाँ पे पास बंदा है, ये शॉटगन से मारना चाहिए, क्योंकि पास है तो शॉटगन से, और दूर चला जाए तो लॉन्ग रेंज का, ये दूर चला जा रहा है तो लॉन्ग रेंज का गन से मार रहा हूँ। इसको किया तो अच्छा दिखाई दिया, तो इसको करके मार दिया, ऐसा ही आपको मारना है। और यहाँ पास और भी बंदा है, यहाँ चार तीन तीन लोग फाइटिंग कर रहे हैं। ये देखिए एक बंदा स्कोप करके ठीक से दिखाई देता है, स्कोप नहीं करेंगे तो ठीक से दिखाई नहीं देगा, तो आप हमेशा स्कोप करके मारिएगा। यहाँ पे और भी बंदा है, और भी बंदा मतलब और भी एनिमी है, तो आपको ऐसा ही मारना है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, बाजू में जो बेल आइकन है उसे दबा दो, ताकि आपको मिलते हर एक अपडेट नोटिफिकेशन सबसे पहले। ये देखिए एक बंदा है, इसको स्कूप करके मारना पड़ेगा, बहुत दूर है, स्कूप करके मारना पड़ेगा, लेकिन पास रहता तो इसको नहीं करना पड़ता। यहाँ नीचे भी बंदा है, किलर है, और देखते हैं फ्री फायर रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कॉमेंट पर बता सकते हैं। ये देखिए रेड डॉट है, मतलब यहाँ बंदा है, देखिए स्कूप किया, इसको करके मैं मार दे रहा हूँ। वो पीछे भी बंदा मेरा चला, तो बंदा ही बंदा है, तो उसके पास जाना शॉटगन ले लिया हूँ, मतलब उसका पास ही जाके मारने का कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये बहुत ही दूर चला गया, शायद किसी ने मार दिया है, ये नीचे से मार दिया है, तो ये इधर ही देखना पड़ेगा। हाँ मेरा पीछे ही बंदा है, बहुत सारा बंदा आसपास घूम रहे हैं, और यहाँ पे नीचे जाता हूँ, ऊपर से मारने का कोशिश, ऊपर है क्या देख लेता हूँ। वो किसी ने मुझे डैमेज दिया है, डैमेज देने के बाद आप ये देखिए बेस्ट ख़राब हो जाता है, तो नया बेस्ट मिले, थोड़ा पावरफुल बेस्ट मिले तो वो यूज़ कर लेना चाहिए। यहाँ पे ये देखिए एक बंदा जा रहा है, उसको जूम करके मारना पड़ेगा, जूम किया मार दिया, जूम करके मारिएगा, दूर रह गए तो जूम करके मारना पड़ेगा, जो पास रहे तो जूम करना नहीं पड़ेगा। तो जूम नहीं करता हूँ उस टाइम दिखाई भी नहीं देता, ज़्यादा दूर से दिखाई भी नहीं देता है, लेकिन जूम करने से दिखाई साफ दिखाई देता है। और ये जो ये देखिए दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जूम करने से ऐसा लगता है पास ही है, जूम करने से पास ही लगता है, वैसे ही आपको मारना है। देखिए जूम करके मारा, मार दिया, और देखिए पास और बंदा है, और बंदा है, और ये देखिए और एक मार दिया हूँ, जूम करके मारना पड़ता है, जूम करके मारना है। हमेशा आपको जूम कहाँ से करना है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो जूम हो जाएगा, गन को यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो जूम हो जाएगा, तो पूरा एनिमी को ऊपर ले जाके मारना है आपको।
और कोई भी बंदा को मारेंगे तो उसके पास जाना चाहिए, पास जाके उसका बॉक्स मिलेगा, उस बॉक्स पे बहुत सारा सामान मिलेगा जो सामान आप ले सकते हैं। और ये देखिए हेमलेट ले लिया, मेरा काम का है, लेवल 3 का हेमलेट था। तो यहाँ पे ये देखिए ये एक जून बनता है, सेफ जून बनता है, ये जो सर्कल बनता है हमेशा सर्कल का अंदर रहना चाहिए। ये धीरे धीरे ये सर्कल छोटा होता जाता है, अगर आप सर्कल का बाहर हो जाएंगे तो आपका एनर्जी कम हो जाएगा, मतलब आपका एनर्जी लेवल कम हो जाएगा। ये यहाँ पे मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए मेरा जो एनर्जी है वो कितना कम हो रहा है। तो आपको हमेशा अंदर रहना चाहिए, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, थोड़ा एनर्जी कम करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए मैं एनर्जी बहुत कम किया, तो एनर्जी जब कम हो जाएगा तो आपको करना क्या है, मेडिकेट यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो मेडिकेट यूज़ होगा, तो मेडिकेट मार के पूरा फुल कीजिएगा, हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा पूरा फुल करना चाहिए। और यहाँ और भी एनिमी है तो उनको मारना चाहिए, गन को रीलोड करना चाहिए हमेशा। मैं रनिंग पे गन को कर दूंगा रिलोड, और कोई अच्छा सामान मिले तो ले लेना चाहिए। ये देखिए एक बंदा है तो इसको गन चेंज करके मारता हूँ, ये शॉर्ट गन है जो वो पूरा पास से मारना चाहिए, लेकिन लॉन्ग रेंज गन से लॉन्ग रेंज पे मारना है तो दूर से मारना है, लॉन्ग रेंज गन सेलेक्ट करना है। या फिर मेडिकेट थोड़ा एनर्जी कम हुआ था, मेडिकेट यूज़ कर लेता हूँ। ये रहा एक बंदा, उसको मार दिया, इसको करके मारना है, ये मेडिकेट ले लेता हूँ, मेडिकेट कम का आएगा, जो कम का सामान नहीं उन्हें फटाक से फेंक देना चाहिए हमेशा। और देखता हूँ यहाँ पे बहुत सारा येलो जो यार्डोप होता है, यार्डोप पड़ा है, और हमेशा यार्डोप पे भी पे जाके यार्डोप लूट सकते हैं, लेकिन एनिमी पास रहेंगे यार्डोप पे हमेशा। और यहाँ ऊपर लग रहा है बंदा है, तो शॉर्ट रेंज का गन हाथ में ले लिया क्योंकि एनिमी बहुत ही पास होगा, तो इसको अब मारता हूँ शॉर्ट रेंज गन से, और मार दिया उसको। और लास्ट बंदे को मैं डंडा से मार के दिखाऊंगा, ये जो पेन वगैरह रहता है, बैट रहता है, तो इसका क्या काम है वो भी दिखाऊंगा, उसको करके मार दिया। ये देखिए ये देखिए जा रहा है, तो उसको स्कूप करके देखिए, स्कूप नहीं रहता है तब दिखाई भी नहीं देता है, वो छोटा दिखाई देता है, दिखाई भी नहीं देता है, और स्कूप करके देखने से मतलब ऐसा पूरा पास से दिखाता है, स्कूप आपको तो पता है। तो यहाँ पे देखिए और 6 बंदा है, अभी एक एक करके ढूंढना पड़ेगा। और कभी किसी बंदे को मार के ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसका बॉक्स पे जाके सामान ढूंढना है, ऐसा ना ढूंढने से भी होगा। यहाँ पे आप जब गन को छोड़ के रनिंग करोगे तो रनिंग का स्पीड ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे और एक बंदा है, तो इसको स्कूप करके मारता हूँ, स्कूप करके मार दिया। गेम पे अभी भी 3 लोग हैं। यहाँ पे यार्डो पे जाके देखता हूँ क्या है। और आपको जब कभी भी कोई गोली मारेगा या फिर आपका वेस्ट वगैरह डैमेज हो सकता है, डैमेज होने से आप नया मिले तो उठा लेना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि बॉक्स, जो बॉक्स आपने मारा उसी बॉक्स से लूटना चाहिए, ऐसा नहीं है। कोई भी मारे तो उसका यहाँ बॉक्स बनेगा, तो उस बॉक्स से आप लूट सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गेम का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बहुत ही दूर चला गया तो उसको पास जाके मारना चाहिए, थोड़ा दूर से भी मार सकता हूँ। ये देखिए बहुत दूर से स्कूप करके मारा हूँ तो मार दिया, देखता हूँ। और अभी गेम पे लास्ट बंदा है, तो लास्ट एनिमी को मैं ट्राई करूँगा बैट से मारने का। मैं गन से मार के दिखाया हूँ, शॉट गन से या फिर लॉन्ग रेंज गन से, तो ये रहा एक बंदा, तो मैं ट्राई करूँगा इसको बैट से मारने का। आपका पास अगर कोई गन वगैरह नहीं है, गन का गोली खत्म हो गया, तो आप ये बैट से भी मार सकते हैं, ये भी काम आएगा आपका। देखिए इसको मारता हूँ बैट से, ये देखिए मार दिया हूँ बैट से, और गेम को कर चुका हूँ, जीत चुका हूँ। तो आप नए हो तो ऐसा गेम को जीत सकते हैं, कोई बात नहीं है। और फ्री फायर के न्यू यूज़र के लिए बहुत सारा वीडियो मैं लाने जा रहा हूँ, कैसे गेम सिखाने के लिए, आपको गेम सिखाने के लिए, तो आप मेरा हर एक वीडियो को देखिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन बाय। कल का जो विनर है ये रहा उनका फ्री फायर आईडी, और ये है उनका मैसेज जो लाइव स्ट्रीम पे किया है, उनका आईडी नंबर ये है। और उनको आज बहुत ही जल्द उनको गिफ्ट कर देगा मेरे दोस्त, गिफ्ट कर देगा, शायद कर दिया होगा या फिर अभी करेगा। तो जब मिल जाए तो आप आके कमेंट कीजिएगा, मिल गया बोल के कमेंट कर सकते हैं। और मेरा आज का लाइव स्ट्रीम होगा कि नहीं पता नहीं, रात को लाइव स्ट्रीम होगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन इस वीडियो पर आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा, तो हो सकता है इस वीडियो से भी एक किसी को मिल सकता है गिफ्ट। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा हैशटैग फ्री फायर और आपका आईडी नंबर। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि उनका आईडी मतलब आईडी नंबर सेंड नहीं हो रहा है, तो आप एक काम कीजिएगा, हैशटैग फ्री फायर लिख के कमेंट कीजिएगा, और आईडी नंबर मेरा मेल पर सेंड कर दीजिएगा।